छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंप दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर का प्रभार दिया गया तो अनिला भेड़िया को कांकेर बालौदा बाजार का, शिव डहरिया को रायपुर बालौदा बाजार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रविंद्र चौबे को बिलासपुर, मुंगेली, रुद्र कुमार गुरु को महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मोहम्मद अकबर को कवर्धा, राजनांदगांव, ताम्रध्वज साहू को बेमित्रा दुर्ग का जिम्मा सौंपा गया है। कवासी लकमा को बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, वहीं प्रेम सिंह सिंह को जांजगीर का प्रभारी मंत्री बनाया गया तो वहीं उमेश पटेल को जशपुर, रायगढ़ और जय सिंह अग्रवाल को कोरबा, कोरिया जिले का प्रभार दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, इसमें से 10 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस है। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ उतरना चाहती है। यही वजह है कि मंत्रियों को जिले का प्रभार देकर लोकसभा की तैयारी तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों की जवाबदारी होगी कि वो पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलवा सकें।